शहर की सड़कों पर एक ही मंजर, गाड़ियां बंपर टू बंपर। पीको रोड, कोटलाकपत, लियाकताबाद रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव, मिनटों का सफर घंटों पर मुहित, शहरी फंस गए। न्यू हॉस्पिटल की इमरजेंसी में तैनात प्रोफेसर किंग एडवर्ड एकेडमिक काउंसिल की भेंट चढ़ गए। 25 प्रोफेसर्स को एक साल गुजरने के बावजूद ऑपरेशन की इजाजत ना मिल सकी। इमरजेंसी में भर्ती होने वाले प्रोफेसर ऑपरेशन ना करने से अपना हुनर खोने लगे। इमरजेंसी में प्रोफेसर्स को मरीज फिल्टर करने के लिए रखा गया है। एमएस न्यू हॉस्पिटल, ताहिर खलील। एनजीओस को दिए गए स्कूल्स में घुस्ट तलबा का इंकशाफ, पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी का एक्शन। स्कूल्स के सर्वे का फैसला, स्कूल्स में 6.5 लाख बच्चे जेर तालीम हैं। हुकूमत स्कूल्स को 750 से 1200 रुपए फी तालिब इलम के हिसाब से अदा करती है। सरकारी स्कूल्स में भी बेहतरी लाने का मंसूबा भी जेर गौर। वजीर तालीम ने महकमा एजुकेशन अफसरान का पीर को इजलास तलब कर लिया। पौश इलाकों के बिजली चोर भी लेस्को के रेडार पर आ गए। डिफेंस, गुलबर्ग, नश्ता टाउन, हमजा टाउन में कार्रवाइयां, 30 से ज्यादा बिजली चोरों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी रेलवे जावेद अनवर को ओहदे से हटा दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत, जलाल सिकंदर सुल्तान को रेलवे का नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में इस्लाहात कैसे लाए जाएं, हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए एक और कमेटी बना दी। साबिका पुलिस सरबरा को कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। कमेटी 2 माह में तजावीज काबीना इजलास में पेश करेगी। नैब हवालात ने मुलजिमों पर तशद्दुद से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार। नैब ने तमाम बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है, किसी ने ना तशद्दुद की शिकायत की और ना ही मेडिकल करवाने का मुतालबा किया। कुर्सी बजेगी। पैसों के लेन देन का तनाजा, शाहदरा की मुटियार का खड़ाक, खातून ने ठेकेदार को रिमांड पर ले लिया। जूतों, थप्पड़ों और मुक्कों से ठुकाई, नागहानी आफत पर बड़े मियां के होश उड़ गए। मौके पर मौजूद अफराद की बचाव की कोशिश भी काम न आई। खातून ने दांव पेच लड़ाकर खूब भड़ास निकाली। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर आ गई। पंजाब हुकूमत का नई भर्तियों पर पाबंदी उठाने का फैसला। सरकारी महकमों में 15,000 मुलाजमीन को भर्ती किया जाएगा। महकमा सेहत, आपाशी और मवासलात के महकमों में ग्रेड 1 ता ग्रेड 16 तक मुलाजमीन भर्ती होंगे। पंजाब हुकूमत की 22 लग्जरी गाड़ियां नीलाम होंगी। 10 गाड़ियां प्रोटोकॉल और 10 पुलिस सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले, लेबर पॉलिसी 2000, पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट भी मंजूर। पंजाब में स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के क्याम की भी मंजूरी दे दी गई। 6 इजला में प्रॉपर्टी टैक्स की कमी का मसविदा मंजूर। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटोमेटिक कार्ड के हवाले से तरमीम की मंजूरी। सात इजला के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम मंजूर। 14,000 पैरामेडिकल स्टाफ और 3,000 डॉक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की रकम 3 लाख से बढ़ाकर 3,60,000 कर दी। इंश्योरेंस कार्ड पर सेल्स टैक्स खत्म, हेड इंजरीज का भी इलाज होगा। फियाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाहौर, ननकाना और मुल्तान में लेबर कॉलोनीज बनाई जा रही हैं। तर्जमान वजीर आला पंजाब। 6 रोज गुजर गए, ऑरेंज ट्रेन के ठेकेदारों को टका ना मिला। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के ठेकेदारों को 10 अरब 47 करोड़ की अदायगियां रुक गई। सुप्रीम कोर्ट की वाजिबात अदा करने की डेडलाइन में सिर्फ 4 रोज बाकी, बजट मंजूर ना हुआ, अदायगियां कैसे करें, LDA इंतजामिया परेशान। हुकूमत को इक्तदार में आए 3 माह गुजर गए। शहर की 5 मंडियां ताहाल चेयरमैन से महरूम।
फैसला साजी का अमल तजब्जुब का शिकार होकर रह गया। गैर फाल आड़तियों का माफिया सरगर्म, महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों और फलों के मनमाने रेट्स। कूड़ा करकट अब बेकार नहीं रहेगा, बिजली बन जाएगी। चीनी कंपनी पंजाब में कूड़े से बिजली बनाने के प्लांट लगाने के लिए तैयार। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम से चीनी कंपनी के वफ की मुलाकात। अब्दुल अलीम खान कहते हैं पंजाब हुकूमत की जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ चीन सरमायाकारी करेगा। लाहौर में 35, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 30 मेगावाट बिजली पैदा होगी। पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा अफसोसनाक है। दहशतगर्दी की जंग में 70,000 निहत्ते पाकिस्तानी कुर्बान हुए। दहशतगर्दों का कोई मजहब, अकीदा या नुक्ता नजर नहीं होता। हमसाय ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के खाहां हैं। लाहौर मुआशी सरगर्मियों का हब तो कराची रीढ़ की हड्डी है। गवर्नर पंजाब की यंग सिफारतकारों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का टीबी हॉस्पिटल बिलालगंज का दौरा। हॉस्पिटल और अहले इलाका के लिए वासा के नए ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया। कहती हैं ट्यूबवेल की तंसीब से इलाके में वाटर सप्लाई का दरीना मसला हल हो गया। अवाम के बुनियादी मसाइल को जल्द अज जल्द हल करेंगे। टीबी हॉस्पिटल में तामीर शुदा जनाना वार्ड को भी जल्द फंक्शनल करने की हदायत। December 13 को होने वाला PP 168 का जिमनी इलेक्शन। पार्टी टिकट जमा कराने और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इंतखाबात के लिए 11 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। PTI के मलिक असद और नून लीग के खालिद कादरी ने पार्टी टिकट जमा करा दिए। उम्मीदवारों को कल इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। हल्का PP 168 का इंतखाबी मार्का। PTI उम्मीदवार मलिक असद खोकर की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। अहले इलाका की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल। मलिक असद खोकर बोले जीत कर अवाम के मसाइल हल करवाना ही मिशन है। सियासत के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए मैदान में उतरे हैं। पीने का साफ पानी जैसे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। 50 लाख घरों के मंसूबे की तामीर में अहम पेशरफ। टास्क फोर्स, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्पॉन्सर शेल्टर फाउंडेशन बनाने का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स जैगम रिजवी और वजीर हाउसिंग की जेर सदारत इजलास। महमूद और रशीद कहते हैं हम घर खुद नहीं बना रहे, हम रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करेंगे। 10 लाख कनाल से जायद अराजी की शनाख्त हो चुकी है। लोगों को सस्ते घर देने के लिए मुखय्यर हजरात का भी तआवुन हासिल होगा। सड़कों से रेड़ियां उठाने पर मजदूर तबका आग बगोला। रेड़ी वालों का बोहड़ वाला चौक में शदीद एहतजाज। टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन तक ट्रैफिक जैम रही। ऑपरेशन में तनाजा सरकारी ऑफिसर की मुखबरी का नतीजा करार। गुलबर्ग के जोन ऑफिसर आमिर अख्तर तजावजात माफिया के मुखबर निकले। रेगुलेशन ऑफिसर जुबैर वट्टू ने आमिर अख्तर से वजाहत तलब कर ली। ANF की लाहौर में कामयाब कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम मोहम्मद कासिम से 3 किलो चरस बरामद। इस इतवार सैर के लिए ना आए, गवर्नर हाउस बंद होगा। तजीन और आयश का काम जारी है। 25 नवंबर को गवर्नर हाउस आम शहरियों के लिए नहीं खुलेगा। गवर्नर हाउस इंतजामिया ने पेश की इत्तला दे दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुए मुबारक की ज्यारत। आशिकान रसूल का जज्बा दीदनी। बैरियर टाउन ग्रैंड मस्जिद में मुए मुबारक की ज्यारत। हजारों लोग कतारों में लग गए। मुए मुबारक के दीदार की सादत नमाज असर तक कराई गई। हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे यानी बैरिया में रहते हुए ये चीज़ नसीब हुई है। खुशकिस्मत लोगों को ये चीज़ें नसीब होती हैं। उनका मुँह मुबारक है, उसकी ज्यारत कर लेना ऐसे ही है जैसे हमने जन्नत को पा लिया। बड़ी सादत की बात है। हम इधर इसी विसिनिटी में रहते हुए जो है अनाउंसमेंट कल की हुई हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें इसी सादत नसीब। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का 25वां कॉन्वोकेशन। 2200 तलबा में स्नात तकसीम। 71 तलबा को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले होनहार तलबा पूरी कौम का फख्र है। आला तालीम के फरोग और बेहतरी के लिए हुकूमत भरपूर तआवुन करेगी। ख्वातीन के कारोबारी मसाइल हल करने का इकदाम।
वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन, ख़वातीन को छोटे कारोबारी कर्जों के बारे में आगाह किया गया। और पोलो एंड पैंक टूर्नामेंट 2018 के दिलचस्प मुकाबले, डेस्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सेमीफाइनल में ओलंपिया की टीम को शिकस्त दे दी। न्यू एज डायमंड पेंट से अब टूर्नामेंट का फाइनल टाकरा होगा।